फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग जो हमारे इंग्लिश से हिंदी में रहेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड हैं जिसको मैंने आज के द हिंदू पेपर में से पिक किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम छह छह वर्ड्स देखेंगे और हर एक वर्ड का हम हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस और उस वर्ड को याद रखने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का जो मेरा पहला वर्ड है वो है वेरीगेटेड। सो वेरीगेटेड का हिंदी में मतलब होता है तरह तरह का। तो जैसे अगर आप ये इमेज देख रहे होंगे तो इसमें जैसे बहुत सारे फूल हैं, तो पत्ते हैं, फूल पत्ते हैं, तो वो बहुत ही अलग अलग कलर के हैं। तो कोई पिंक है, कोई ग्रीन है, कोई रेड है, ब्लू भी है। तो इसको हम बोल देंगे ये जो जो भी फूल हैं, फूल के पत्ते हैं, ये क्या बहुत वेरीगेटेड है, मतलब तरह तरह के हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एग्जिबिटिंग डिफरेंट कलर्स स्पेशली एज अ इरेगुलर पैचेस और द स्ट्रीक्स। मतलब जो लाइनें रहेंगी वो बहुत अलग अलग तरह की रहेंगी। जो फूल पत्तों पे जो लाइन रहेगा, लकीर रहेगा, वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरीगेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर इस वर्ड को याद रखना है तो इसका हमारा ट्रिक क्या रहेगा, वेरी वेरी मतलब वेरियस और गेटेड मतलब गेट्स। सो द गेट्स आर ऑफ वेरियस कलर। रहता है ना, कोई गेट रहेगा तो दरवाजा रहेगा वो बहुत अलग अलग कलर का रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेरी गेटेड बोल देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेरा सिनोनिम्स रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टी कलर्ड रहेगा या वेरी कलर्ड रहेगा या वेराइटी, मतलब बहुत अलग अलग कलर वेराइटी है कलर में, तो उसको हम बोल देंगे वेरियस कलर या वेरी कलर, मल्टी कलर्ड बोल देंगे। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेम कलर, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है कलर है तो उसका अपोजिट क्या रहेगा, सेम कलर हो जाएगा। और अगर इस वर्ड से रिलेटेड अगर एक हम हिंदी में सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, यह फूल बड़े पैमाने पर रंग में वेरीगेटेड है, मतलब तरह तरह का, यह जो फूल है कलर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, तो इसको हम बोल सकते हैं। या अगर इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी के सेंटेंस को तो क्या रहेगा, Having a variety of colors, मतलब बहुत different different type के colors हैं, तो उसको हम बोल देंगे having a variety of colors। मेरा next word है friends, collision। So collision का मतलब होता है मिली भगत। तो अभी देखिए, जैसे ये इसमें picture में भी आप देख रहे होंगे, तो इन दोनों के बीच में कोई एक छुपके से deal हो गया है और उस deal का ये क्या कर रहा है, इसको पैसा pay कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोल्यूजन है। सो मतलब क्या हो जाएगा, मिली भगत है इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब क्या होता है, सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन और द कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डिसीव अदर। मतलब एक इलीगल कोऑपरेशन हुआ है, मतलब दोनों के बीच में एक डील हुआ है, कॉन्स्पिरेसी उसको हम बोल सकते हैं, या सीक्रेट डील बोल देंगे इसको। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिली भगत या कोल्यूजन हो जाएगा। और अगर इस वर्ड को याद रखने का एक ट्रिक देखें फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, यू कैन जस्ट सी सम इल्यूजन ऑफ द कोल्यूजन। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक इल्यूजन का मिली भगत है, एक मतलब जो मिली भगत का उसका नमूना दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कोल्यूजन है। और इसका जो सिनोनिम्स रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्पिरेसी रहेगा। और उसका जो अपोजिट रहेगा, मिली भगत है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी, मतलब सच्चाई है, उसके बीच में एकदम ट्रांसपेरेंसी है, तो और उनके बीच में कोई भी मतलब ऐसा सीक्रेट डील नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑनेस्टी, मतलब बहुत ही ज्यादा सच्चा है। और अगर एक हम हिंदी में सेंटेंस देखें इस वर्ड से रिलेटेड तो क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार में पुलिस और चोरों की मिली भगत थी। मतलब भ्रष्टाचार में पुलिस और चोरों की कोल्यूजन था, मतलब उन दोनों के बीच में डील हो गया था, सीक्रेट डील हो गया था, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कोल्यूजन, मतलब मिली भगत। और अगर एक इंग्लिश में सेंटेंस देखें दूसरा तो क्या हो जाएगा, इट अपीयर्ड दैट देयर वॉज अ कोल्यूजन बिटवीन द अपोजिशन पार्टी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो दो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कोई भी एक पार्टीज है, उसके बीच में एक मिली भगत थी जो जनता को गुमराह कर दिए। ऐसा मतलब एक उस सेंटेंस को अगर एक्सटेंड करें या एक जनरल में एक्सप्लेन करें, इसको समझें, तो क्या हो जाएगा, इट अपीयर दैट देयर वॉज अ कोल्यूजन बिटवीन द अपोजिशन पार्टीज। मतलब जो दो अपोजिशन पार्टी थे उनमें क्या हो गया, मिली भगत हो गया, मतलब कोल्यूजन हो गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, लैक्रिमोज। तो लैक्रिमोज का मतलब क्या हो जाएगा, रोना। तो अभी देख रहे होंगे ये इमेज में भी ये क्या लैक्रिमोज है, तो अभी जैसे ये लेडी है, ये कार्टून बना हुआ है पेंट में, तो ये क्या हो सकता है इसको, कि ये क्या कर रही है, ओनियन को काट रही है, प्याज को काट रही है, और ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है कि ओनियन का प्राइसेस बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, लैक्रिमोज हो गया, मतलब रोना स्टार्ट कर दिए।
तो इसका मतलब क्या होता है, टीयरफुल और गिविंग टू वीपिंग, गिवन टू वीपिंग, मतलब या तो रोने स्टार्ट कर दिए हैं या तो उनके आंखों में से आंसू आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लैक्रिमोज हो रहा है, मतलब रो रहे हैं वो। और अगर इस वर्ड को याद रखना है तो हमारा ट्रिक क्या रहेगा, लैक्रिमोज सो मतलब क्या हो जाएगा, लैग और सी एच आर वाई से आप ये कर लो, क्राई समझो, तो लैग क्राई और मोज मतलब मोज, तो क्या हो जाएगा, सो वेन यू क्राई मोज यू प्रोड्यूस टीयर, मतलब आप ज्यादा रोते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आंसू को बढ़ा रहे हैं या आपके आंसू ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लैक्रिमोज। मतलब क्या हो जाएगा, लैक और क्री से क्राई और मोस्ट, मतलब आप बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं, क्राई मोस्ट यू प्रोड्यूस टीयर, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स रहेगा फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, टीयरफुल रहेगा या वीपिंग रहेगा या क्राइंग रहेगा, मतलब रो रहा है आंसू बहा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। और अगर उसका एक एंटोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा, चेयरफुल रहेगा या लॉफिंग रहेगा या हैप्पी रहेगा, यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स इस वर्ड से रिलेटेड अगर हम एक हिंदी में सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, प्याज की बढ़ती कीमतों को देखकर हमें रोना आता है, मतलब प्याज की जो बढ़ती कीमतों को देखकर हमें लैक्रिमोज होता है, मतलब रोना आता है, यहाँ से भी हम बोल सकते हैं। और सेम अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे हिंदी वाले सेंटेंस को तो कैसा आएगा, आफ्टर सीइंग द प्राइजेस ऑफ ओनियन वी वीपिंग, मतलब हम वी स्टार्ट वीपिंग और हम रोने स्टार्ट कर देते हैं, हमें रोना आता है, तो आफ्टर सीइंग द प्राइजेस ऑफ द ओनियन, मतलब हमें प्याज का कीमत जब हम देखते हैं तो हमें क्या होता है, लैक्रिमोज होता है, तो मतलब हमें रोना आता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एल्यूसिडेट। सो एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, तभी जैसे स्पष्ट करना है ना, तो स्पष्ट करना का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर या क्लियर या एक्सप्लेनेशन या कोई भी चीज को आप क्लियर करो, स्पष्ट करो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इमेज में देख रहे होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनका जो डेथ हुआ है तो उसके बारे में अभी तक हमें भी कोई स्पष्ट नहीं है, कोई भी पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, मतलब कोई ठोस सबूत नहीं है अपने पास या कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उनका डेथ हुआ कैसे था। सभी बोलते हैं लेकिन आधे लोगों को संदेह है कि वो विमान क्रैश में मरे थे या कैसे मरे थे, आधा डाउट है और आधा अनसॉल्व मिस्ट्री जैसा ये पूरा, तो इसको क्या बोल देंगे, एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब हो जाएगा स्पष्ट करना। अभी देखिए जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन, तो जैसे मैंने बताया आपको। और अगर इसको याद रखने का ट्रिक हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखिए ये जो एल्यूसिडेट है इसको आप ल्यूसिड समझिए ना, टू थिंक ऑफ द ल्यूसिड सो विच मीन द क्लियर, अभी जैसे बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर है, ल्यूसिड है एकदम साफ सुथरा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकदम क्लियर है, या एल्यूसिडेट को आप ल्यूसिड समझिए और उससे आप याद कर सकते हैं क्लियर। अभी इसका जो सिनोनिम्स रहेगा एल्यूसिडेट का तो वो क्या रहेगा, एक्सप्लेन और मेक क्लियर, तो मतलब एकदम साफ साफ आप बताइए या एकदम निष्पक्ष रखिए, उसको हम बोल देंगे स्पष्ट करना। और अभी जैसे देखिए एल्यूसिडेट मतलब स्पष्ट करना हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्स्क्योर रहेगा या कंफ्यूज रहेगा, मतलब कंफ्यूज है मतलब बता नहीं रहा है या छुपा रहा है या क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंफ्यूज है या ऑब्स्क्योर है, उसको हम बोल सकते हैं। और अगर एक एग्जांपल देखें हिंदी में तो क्या हो जाएगा, पुलिस ने उसकी मौत के आसपास के रहस्य को स्पष्ट किया, मतलब एल्यूसिडेट किया, पुलिस ने उसके मौत के आसपास के रहस्य को क्या किया, एल्यूसिडेट किया। और अगर सेम इसको ही हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या हो रहा है, पुलिस एल्यूसिडेट द मिस्ट्री सराउंडिंग हर डेथ, मतलब उसके आसपास का जो भी मौत हुआ था उसकी मिस्ट्री को उसने क्या किया, सॉल्व किया या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया, बताया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वेले। सो वेले का मतलब होता है ताक में रहना, तो जैसे आप ये देख रहे होंगे इमेज में भी, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो ये फौजी लोग हैं ये क्या करें, एक बंकर जैसा इन्होंने बनाया हुआ है और उससे इन्होंने क्या किए, ये ताक में है कि कोई भी एक कोई टेररिस्ट या कोई भी दूसरी दूसरे लोग इस अपने एरिया में ना आ पाए, तो उसको क्या करें, ये चेक करें या उसके ताक में वेले में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेट इन हाइडिंग हीडिंग टू अटैक, मतलब क्या हो जाएगा, छुपके से अटैक करना करने को हम क्या बोल सकते हैं, ताक में रह रहा है, वो बोलते हैं ना कि वो अटैक करेगा तो वो क्या करे, छुपके से अटैक करने के फिराक में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेले बोल देंगे। और इसका जो हमारा ट्रिक रहेगा वो क्या रहेगा, ऑन द वे रॉबर्स ले वुडन लॉक्स टू स्टॉप यू, मतलब ऑन द वे जो चोर लोग रहेंगे रॉबर लोग रहेंगे वो क्या करते हैं, लकड़ी लगा दिए ताकि आप स्टॉप हो जाओ या वो उसके फिराक में, यहाँ से हम कर सकते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स रहेगा वो क्या रहेगा, अटैक रहेगा या एम्बस रहेगा। और इसका जो हमारा अपोजिट वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, रिट्रीट रहेगा या डिफेंड रहेगा, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं।
और अगर एक हम हिंदी में सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आतंकवादी हमेशा हमले के वेले में रहते हैं, मतलब हमेशा हमले के वो क्या रहते हैं, ताक में रहते हैं, वो चांस ढूंढते रहते हैं। और अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो क्या हो जाएगा, टेररिस्ट ऑलवेज लिव इन अ वेले टू अटैक, मतलब वही सेम हो जाएगा, वो हमेशा क्या करते हैं, फिराक में रहते हैं अटैक करने के लिए। तो देखते हैं आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स वो है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब हो जाता है दान देने वाला। तो जैसे ये देख रहे होंगे आप, ये जो पिक्चर है तो इसके पास क्या है, बहुत सारे पैसे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये सबको बांट रहा है या सब लोग इससे मांग रहे हैं। अगर ये देने वाला है तभी तो इसको मांग रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे ये पर्सन क्या है, दान देने वाला, मतलब द बेनिफैक्टर है। और अगर इसका मतलब देखें तो क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अ पर्सन और द कॉजेस, मतलब एक कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, कोई दूसरों को पैसे दे रहा है या मनी प्रोवाइड कर रहा है या पैसे के अलावा दूसरे भी तरफ का हेल्प दे रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बेनिफैक्टर है। अगर इसको याद रखना है तो इसका ट्रिक कैसे रहेगा फ्रेंड्स हमारा, अभी देखिए जो इस वर्ड को आप ना बेनिफिट के जैसा याद करो, तो बेनिफिट रिमेंबर एज अ बेनिफिट, वी आर ऑलवेज बेनिफिसिटेड बाय द जेनरस पीपल और द गिफ्ट गिवर्स। तो हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज खुश रहते हैं, हम ऑलवेज बेनिफिट में रहते हैं कि जो देने वाला है वो हमें क्या करेगा, बहुत सारी चीजें देगा, गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, किसी और की चीजों पे वो दे सकता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, बेनिफिट मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं बेनिफैक्टर को। और अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा, हेल्पर हो जाएगा या स्पॉन्सर हो जाएगा या डोनर हो जाएगा, मतलब दान देने वाला है या स्पॉन्सर है या हेल्पर है, इसको हम बोल सकते हैं। अब जैसे कोई दान दे रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो रहा है, ले रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। और अगर एक हम हिंदी में सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, वो धन आदि से सहायता करने वाला, मतलब क्या हो जाएगा, धन आदि से दान देने वाला, मतलब डोनर है, तो उसको हम बोल देंगे बेनिफैक्टर। और अगर एक इंग्लिश में सेंटेंस देखें दूसरा तो क्या होगा, वो द बिरला ग्रुप हैज बीन अ बेनिफैक्टर टू मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो मतलब क्या हो जाएगा, बिरला ग्रुप है जो वो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, वो हेल्प करता है, स्पॉन्स करता है, डोनेट करता है मनी, उसको हम यहाँ से बोल सकते हैं। हमारा फ्रेंड्स आज का जो पूरा वर्ड्स था वो ये है, पहला वर्ड था वेरीगेटेड। सो वेरीगेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर का या तरह तरह के रंग का। तो जैसे ये देख रहे होंगे पिक्चर में भी कि ये जो फूल के पत्ते हैं तो वो या जो पत्ते हैं ये क्या है, इसके जो स्ट्रीप हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, तो उसको हम बोल देंगे तरह तरह के कलर का। और नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड हमारा कोलिजन। सो कोलिजन का मतलब हो जाएगा मिली भगत। जैसे देख रहे होंगे इनके बीच में कोई सीक्रेट डील हुआ है और उसको क्या कर रहा है, चोरी से ये पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा मिली भगत। और जो नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड्स हमारा वो था लैक्रिमोस। सो लैक्रिमोस का मतलब होता है रोना। तो जैसे देख रहे होंगे कि ये प्याज काट रही है तो रो रही है या ये प्याज का प्राइस देख रहा है तो रो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लैक्रिमोस। और हमारा नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड्स एल्यूसिडेट। सो एल्यूसिडेट का मतलब क्या हो जाएगा, रहस्य या छुपा हुआ या स्पष्ट करना हम बोल सकते हैं। तो जैसे ये सुभाष चंद्र बोस जी की मौत का अभी तक पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, आधे लोग बोल रहे हैं कि प्लेन क्रैश में मरे, आधे लोग बोल रहे हैं कुछ और ही हुआ था, तो उसको हम बोल देंगे एल्यूसिडेट, मतलब क्लियर करना या स्पष्ट करना। और जो नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड हमारा वो था वेले। सो वेले मतलब ताक में रहना। तो जैसे ये ताक में है कि कोई टेररिस्ट आएंगे तो उनके ऊपर अटैक कर देंगे, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और जो लास्ट वर्ड था वो हमारा क्या था, बेनिफैक्टर था। तो बेनिफैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, दान देने वाला, तो उसके पास जैसे बहुत पैसा, ये क्या कर रहा है, डोनर है या डोनेट करने वाला है, तो इसको हम बोल देंगे ये दान देने वाला है, यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये रहा आपके लिए दो वर्ड। तो पहला वर्ड है वेपिड और दूसरा वर्ड है पासिमोनी। तो आप मुझे इसका इस वर्ड को याद रखने के लिए अच्छा सा ट्रिक बनाइए और इस दोनों का मुझे हिंदी और इंग्लिश में एक सेंटेंस आप मुझे बना के कमेंट्स बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर करिएगा। थैंक यू।